तो बच्चों एनिमलिया किंगडम का 9th ग्रुप है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो ग्रुप होता है, कॉर्डेटा किसे कहेंगे? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है? जैसे अपनी बॉडी में बैकबोन होती है, यानी कि अपनी जो बॉडी को सपोर्ट कराने के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम कह रहे हैं। बट जब हम फीटस स्टेज में होते हैं, मतलब एक अनबॉर्न बेबी होता है, तो उसकी बॉडी में जो वर्टेब्रल कॉलम है यानी कि बैकबोन है, वो पूरी डेवलप नहीं होती। वो सॉफ्ट यानी कि कार्टिलेज स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग कॉर्डेटा के ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोटोकॉर्डेटा और एक वर्टेब्रेट। प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेट किसके टाइप हैं? कॉर्डेटा फाइलम के टाइप हैं। कॉर्डेटा फाइलम किसका फाइलम है? एनिमलिया किंगडम का है। अब देखिए प्रोटोकॉर्डेटा में क्या होता है, इनके अंदर किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, कभी ना कभी नोटोकॉर्ड जो होता है वो इनमें डेवलप होता है। बाकी तीन पॉइंट सेम रहेंगे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री में पाई जाती है, और कॉलमेट भी होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, कॉलमेट भी होते हैं, इनकी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। और इनका जो हैबिटेट है वो मराइन हैबिटेट होता है, यानी कि ये वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, बैलेनोग्लोसिस इसका एग्जांपल हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है कि नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट था, उसके अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था कॉर्डेटा ग्रुप को, एक में तो सिर्फ नोटोकॉर्ड है और एक में नोटोकॉर्ड थोड़ा डेवलप हो जाता है, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम है वो चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्टेब्रेट्स। अब प्रोटोकॉर्डेटा जो है उनमें नोटोकॉर्ड कम से कम कोई ना कोई स्टेज में जरूर आता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, थ्री लेयर से बनी होती है बॉडी, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है बॉडी, वाटर में पाए जाते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, और कॉलमेट होते हैं, कैविटी होती है इनकी बॉडी में, एग्जांपल जैसे कि बैलेनोग्लोसिस। कॉर्डेटा का दूसरा टाइप है वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट जो होता है इनके अंदर नोटोकॉर्ड डेवलप होकर के वर्टेब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और इसके फिर फाइव टाइप्स होते हैं, पाइसिस जिसमें फिशेस आती हैं, रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं जैसे स्नेक हो गया, एम्फीबियन जो वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, एव्स जो कि बर्ड्स आते हैं इसमें, मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो इस तरीके से इसके वर्टेब्रेट्स के फाइव टाइप्स होते हैं। ओके okay?